दो दशक पहले का एक दौर था जब भीमबांध का इलाके में नक्सलियों के खौफ से बिन इजाजत परिंदे भी पर नहीं मार सकते। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और आज आलम यह है कि इस इलाके की तस्वीर बदल रही है। आखिर ये संभव कैसे हो पाया, ये जानने की कोशिश करते हैं हम। मेरे साथ हैं ASP ऑपरेशन ओंकार नाथ सिंह। सर, बिहार तक नाथ बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। ये कैसे संभव हो पाया? हाल के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है कि भीमबांध के इलाके से माओवादियों का सफाया हो गया। पहले तो आपको गर्व होता होगा इस बात की गृह मंत्री ने ऐसा ट्वीट किया। देखिए, अगर इस पूरे भीमबांध का अवलोकन करें, भौगोलिक परिदृश्य के बारे में देखें, तो जमुई, लखीसराय और मुंगेर तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान में एक कैंप चोरमरा एस्टेब्लिश किया गया 2 फरवरी 2022 को। इस कैंप के एस्टेब्लिशमेंट में, इस कैंप को लगाने में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट का मेन योगदान रहा। कैंप लगने के उपरांत यहाँ के ग्रामीण परिवेश में जो जनताएं हैं उनसे संवाद स्थापित करने में सहूलियत मिली और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसमें काफ़ी सहयोग मिला सिक्योरिटी फोर्सेज को ऑपरेट करने में। और जो आप देख रहे हैं आज के डेट में, अगर पूरे जमुई ज़िला की बात करें, खासकर 8 मंथ में जो अचीवमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, तो 20 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, उसमें से 6 हार्ड को नक्सली हैं, 24 वेपन का रिकवरी है, अप्रॉक्स 100 kg ID प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 850 राउंड्स एमनेशन, 250 डेटोनेटर इस पूरे जमुई क्षेत्र से सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस को मिला है। तो निसंकोच कहा जा सकता है इस क्षेत्र में सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है। तो इस सफर को तय करने में सर आप लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मेन रोल रहता है कि जो डिस्टर्ब इलाका है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की इशूज हैं, उसको इशूज को सॉर्ट आउट करना और उसको उस वे में प्रोजेक्ट करना ताकि वहाँ की जनताओं में ये संवाद स्थापित किया जा सके, ये संदेश दिया जा सके कि पुलिस और प्रशासन से जुड़कर समाज में एक नई रूपरेखा स्थापित किया जा सकता है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो और कई माओवादी ऐसे हैं जो कि अभी भी आपकी गिरफ्त से बाहर हैं, उनके सरेंडर करने की या उनकी गिरफ्तारी की कोई योजना है या ऐसा कुछ लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो समर्पण कर देंगे या मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे? सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया गया है। बहुत गिने चुने आज के डेट में जो नक्सली हैं इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, सिक्योरिटी एजेंसियाँ उस पर फोकस रखी है और जल्दी रिजल्ट मिलने का संभावना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विगत 9 महीनों में आपने कई हार्डकोर नक्सलियों को या तो मार गिराया है या फिर उसे अरेस्ट किया है या फिर उसे मजबूर किया है कि वो सरेंडर कर दें। और जब आज मैंने गांव का दौरा किया, कई लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों को यह है कि हम ठीक है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएँ हैं जो उन्हें अब तक नहीं मिल पाए, इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? जब से कैंप लगा है और इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का आवागमन बढ़ा है तो धीरे धीरे विकास की योजनाएं वहां तक पहुंचने लगी हैं। जहां तक आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल टावर एस्टेब्लिश किया गया है और डिफरेंट जो भी सरकार की योजनाएं हैं वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है प्रशासन और पुलिस दोनों। लेकिन कुछ और ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको पहुँचाने की जरूरत है ताकि वो लोग मुख्य धारा से जुड़े और आप पे ज़्यादा विश्वास कर सकें। वैसी सारी योजनाएं जो प्रशासन और सरकार की तरफ से चलाई जा रही है निसंकोच उनके पास पहुंचाई जाएगी।